महिला शक्ति पर पूरे देश को भरोसा है, लिहाजा पीएम मोदी ने भी अपने मंत्रिमंडल में 6 महिलाओं को जगह दी है। सभी महिला मंत्री अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगी और क्या चुनौतियां होंगी, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आई निर्मला सीतारामन, आई हरसिमरत कौर बादल, स्मृति जुबिन ईरानी, मैं रेणुका सिंह सरूसा, देवश्री चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति। ये 6 महिला मंत्री हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है। इनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को मिली है। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री बनाई गई हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग और फिर रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1970-71 में 1 साल के लिए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। निर्मला सीतारमण को ऐसे समय में ये जिम्मेदारी मिली है जब भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। देश की आर्थिक विकास दर 6.6% के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने की आशंका है। खाद्य पदार्थों के थोक दाम में वृद्धि हो रही है। आर्थिक मंदी के कारण रोजगार मुहैया कराने की चुनौती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है। निर्मला सीतारमण उन महिला नेताओं में शामिल हैं जो बेहद कम समय में राजनीति के शिखर तक पहुंची हैं। निर्मला सीतारमण को पहली महिला रक्षा मंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है और अब पहली महिला वित्त मंत्री बनने का भी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिन महिला सांसदों को कैबिनेट में दोबारा जगह मिली उनमें स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ ही कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। 43 साल की स्मृति ईरानी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री हैं। स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हरा कर इतिहास रचा है। स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारने के बाद पूरे 5 साल तक अमेठी में सक्रिय रही। उनका अमेठी आना जाना और वहां के लोगों से मिलना जुलना बरकरार रहा, जिसका नतीजा 2019 के चुनाव में देखने को मिला। स्मृति की पहचान बीजेपी के भीतर एक जुझारू नेता के तौर पर है। चुनाव जीतने के बाद जब उनके एक कार्यकर्ता की अमेठी में हत्या कर दी गई, तो स्मृति न केवल अपने उस कार्यकर्ता की अंतिम यात्रा में शामिल हुई बल्कि उनकी अर्थी को भी कंधा दिया। मोदी सरकार में तीसरी कैबिनेट मंत्री है हरसिमरत कौर बादल। बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर बठिंडा से तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी वो मंत्री थीं। हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी हरसिमरत के पास यही मंत्रालय था। मोदी सरकार में महिला चेहरा होने के साथ ही पिछली सरकार में अच्छा काम करने का अनुभव भी उनके पास है। यूपी के फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। साध्वी निरंजन ज्योति को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साध्वी निरंजन ज्योति खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री थी। वो दूसरी बार फतेहपुर से सांसद चुनी गई हैं। साध्वी निरंजन ज्योति मूल रूप से कथावाचक हैं। कानपुर देहात में उनका आश्रम है। उमा भारती के बाद केंद्र में मंत्री बनने वाली वो दूसरी साध्वी हैं। निरंजन ज्योति निषाद समाज से हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज एक बड़ा वोट बैंक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद रेणुका सिंह को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तेज तर्रार छवि वाली आदिवासी नेता रेणुका सिंह को जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी की टीम में छत्तीसगढ़ से सिर्फ रेणुका सिंह को ही मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बुरा हाल सरगुजा में ही हुआ था। यहां की सभी 14 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में रेणुका सिंह ने बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की, जिसका इनाम उन्हें मिला है। मोदी मंत्रिमंडल की 6ठी महिला मंत्री हैं देवश्री चौधरी। देवश्री पश्चिम बंगाल के रायगंज में टीएमसी के कन्हैया लाल अग्रवाल को शिकस्त देकर लोकसभा में पहुंची हैं। रायगंज सीट पर पिछली बार सीपीएम के मोहम्मद सलीम सांसद चुने गए थे। इस बार मोहम्मद सलीम तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस की दीपा दास मुंशी चौथे स्थान पर रहीं। देवश्री चौधरी को महिला और बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। देवश्री ने 2014 में बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार पार्टी ने उन्हें रायगंज से उम्मीदवार बनाया। मुस्लिम बहुल इस सीट पर देवश्री ने पार्टी को निराश नहीं किया। देवश्री पश्चिम बंगाल बीजेपी की महासचिव भी हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बेहद कड़ी टक्कर दी है। 2 साल बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और देवश्री को मंत्री बनाकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश देना चाहती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।